आप लोग इन जीवों के भूखे पेट को देख सकते हैं। यह आप लोगों की वजह से एक टाइम का अन्न पा जाते हैं। यह आप लोगों की वजह से एक टाइम का अन्न पा जाते हैं, जो एक समूह के माध्यम से प्रतिदिन कुछ न कुछ आप लोग इन जीवों के लिए एक टाइम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इस कलयुग की दुनिया में जो अब तक नहीं हुआ, वह आने वाले समय में होगा। इनके भूखे पेट की लड़ाई हम लोग जरूर जीतेंगे। बजरंग बली के भक्त अपना कर्म करेंगे, फैसला ईश्वर के हाथ में है। बजरंग बली के भक्तों को इस कलयुग की दुनिया में इन जीवों को एक टाइम खाने की सुविधा करनी है। यह एक छोटी सी शुरुआत है। आने वाले समय में हम लोग पूरी तरह से इन जीवों को एक टाइम खाने की व्यवस्था करवा पाएंगे। ना गिन कर दिया, ना तौल कर दिया, हमारे बजरंग बली ने जिसे भी दिया दिल खोल कर दिया। और आज बजरंग बली की सेना पूरे हिंदुस्तान में भूखी है। यह पहली झुंड है हमारे गांव की, ऐसी चार झुंडे हैं हमारे गांव में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबको खाने की सुविधा नहीं हो पाती है। समय आने पर जरूर होगा। शुरू को 3 महीनों में जितनी अच्छी सुविधा इन जीवों के लिए रही, ईश्वर की मर्जी होगी तो बहुत जल्द इनको एक टाइम अच्छी सुविधा होगी।